सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम् अन्तर्जालीय कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। विदर्शी नॉलेज सेंटर मध्ये सर्वेषां पुनः स्वागतम्। अद्य राष्ट्रीय एकता दिनस्य हार्दिकं अभिनन्दनं सर्वेषां कृते। भारतस्य एकतायाः सूत्रधारः लौह पुरुषः सरदार वल्लभ भाई पटेल तस्य दृढ़ स्वभावेन निर्णयशक्त्या च अद्यापि सह जनमानसे चकास्ति। न केवलं भारत स्वतंत्रता प्राप्त्यै समग्रस्य भारतस्य एकीकरणे अपि तु भारत स्वतंत्रता प्राप्त्यनन्तरं देशस्य भविष्य निर्माणे सर्वोत्कृष्टं योगदानम् अस्यैव अस्ति। अस्य मूर्ति निर्माणस्य विचारधारायाः पृष्ठभूमौ राष्ट्रीय एकता एव अस्ति। राष्ट्रीय एकता दिनस्य हार्दिकं अभिनन्दनं सर्वेषां कृते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। भारतीयों ने उनको विष पिलाया और वे भारत को अमृत पिला गए। ऋषि दयानंद को जहर पिलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था। यदि हम ऋषि दयानंद की नीतियों पर चलते तो देश को कभी नहीं बढ़ता, देश तो कभी नहीं बढ़ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा। उनके 149वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन सभी का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए एक एकता दिवस के उपलक्ष्य में नाटक देखें। ये मेरे भगवान को किसने किया? अभी मैं इसे ठीक करता हूँ।
तुम लोग इंसान हो? मुझे पैसा नहीं लगता। अगर तुम इंसान होते तो भगवान के नाम पे लड़ते नहीं। तुम अपने भगवान को मंदिर में छोड़ दो, तुम अपने ईसा मसीह को चर्च में छोड़ दो, और तुम अपने वाहेगुरु को गुरुद्वारे में छोड़ दो, और तुम अपने अल्लाह को मस्जिद में छोड़ दो, और हम सब मिलकर एक हो जाए। Thank you.
अनेकता में एकता ही है भारत की पहचान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ की है शान, यहाँ की है शान। एक बार फिर से आप सबको राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।